गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री। आज अपन बात करेंगे जेई एडवांस के बारे में। जेई एडवांस में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 से लेकर 20 तक, उनके लिए बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन बातें करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्ड एस एन एस ब्लॉक एन हाइड्रोजन कंपाउंड में बात करें अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया बेटा। C2-2 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए बी डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है बेटा। C2-2, इसके लिए मैंने एक तरीका बता रखा आपको कि जब भी ओड नंबर में, अगर नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा है, जब भी ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पैरामैग्नेटिक बताएंगे, और जब भी इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन आएंगे उन्हें डायमैग्नेटिक बताएंगे। 10 और 16 को अपन क्या काउंट करके चलेंगे, उन्हें पैरामैग्नेटिक काउंट करके चलेंगे, क्योंकि अपन एनर्जी डायग्राम देखते हैं तो वहां पर अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो C2-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए अपने पास, 14 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये कैसा रहेगा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा। कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। O2+2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। बेटा जी O2+2 बॉन्ड ऑर्डर बात करें, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसमें, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। जबकि अपन बात करें O2 के लिए, तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 आया। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्स होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। किसके, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है बेटा। O2+2 की आबंध लंबाई प्रत्यक्ष रूप से O2 की आबंध लंबाई से बड़ी है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपने पास, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा रॉन्ग, और ये स्टेटमेंट कैसा अपने पास राइट स्टेटमेंट है। N2+ तथा N2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, देखते हैं N2 कितना बेटा, 13 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2.5, N2- 15 पे कितना आता है 2.5। तो ये आंसर भी अपना बिल्कुल करेक्ट है। HE2+ has the same energy as 2 isolated helium, कह रहे HE2+ की एनर्जी सेम है किसके इक्वल, हीलियम के इक्वल बेटा। ये राइट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हीलियम की एनर्जी, अपन एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो इसकी एनर्जी अपने को ज्यादा मिलेगी किसकी तुलना में, इस मॉलिक्यूल की तुलना में। अगर नॉर्मली बात करें जिनमें कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो मॉलिक्यूल अपने एटम से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। तो अपना आंसर कौन सा आ गया बेटा, ए एंड सी आंसर आ जाएगा, क्या ए एंड सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमोंग H2+ लिथियम B2 B2 C2 N2 O2 N F2 द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया था ओड नंबर में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन देख लें, तो मैं आप यहां लिख सकते हैं क्या, अगर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन हुए, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा डायमैग्नेटिक, किसको छोड़कर, 10 एंड 16 को अपने को छोड़ देना है। ओड नंबर इलेक्ट्रॉन ले लें, क्या ले लें, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा आएगा पैरामैग्नेटिक, किसको काउंट करना है 10 एंड 16 को अपन क्या करेंगे काउंट कर लेंगे, 10 एंड 16 को क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे। अब देखें H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, तो कैसा आ जाएगा ये डायमैग्नेटिक। He2+ 3 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, Li2 6 इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक, Be2 कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक, B2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पैरामैग्नेटिक। B2 किसमें काउंट करना है अपने को, पैरामैग्नेटिक में काउंट करना है। C2 डायमैग्नेटिक, N2 14 डायमैग्नेटिक, O2 17 पैरामैग्नेटिक, F2 कैसा जाएगा डायमैग्नेटिक। अपने बतानी क्या है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज बतानी है, प्रतिचुंबकीय स्पीसीज बतानी है। तो अपने पास आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 06 आंसर आ जाएगा अपना। तो इसका आंसर हो गया अपना 06, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो अपने ये तरीका अपनाओगे, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए बेटा अप्लाई करना है। कब, जब वो ऐसे बोले कि, अगर वो अब नॉर्मल कंडीशन बोले कि ऐसा नहीं हो ऐसा हो, तब ये अपने को अप्लाई नहीं करना है। अमोंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, निम्नलिखित में से सही कथन है, AlCH3 का होल थ्रस्ट हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द डायमेरिक कंडीशन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि इनके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है इसकी डाइमर कंडीशन में। यहां स्यूडो ब्रिज बॉन्ड मिलेगा, उसको बोलते हैं
थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या बोलेंगे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बोलेंगे किसको, स्यूडो ब्रिज बॉन्ड को, किसको, स्यूडो ब्रिज बॉन्ड को। तो AlCH3 का ऑथराइज एज अ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द इट्स डायमेरिक कंडीशन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अगली बात करें, AlCl3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक कंडीशन, बिल्कुल AlCl 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 and Cl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहां से मैं यहां बात करता हूं, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा, क्या थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिल जाएगा अपने को। इसमें कह रहा है AlCl3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इस डायमेरिक कंडीशन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपने पास, क्योंकि यहां कितने बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कौन सा, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, BS3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक कंडीशन, BS3 के लिए भी बात करें, डायबोरेन है, इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही मिलेगा, यहां से यहां बात करें तो ये आएगा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या आएगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द एसिडिक लेविस एसिडिटी ऑफ द BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। अगर बात करें बेटा अपन, तो अपना स्टेटमेंट A and C, D के लिए देखते हैं, BCl3 एंड AlCl3 बात करें, अगर बेटा जी BF3 BCl3 एंड BBr3 एंड BI3 ऐसे अपने को दिया हुआ मिले, BF3 BCl3 BBr3 BI3, तो अपन कहेंगे यहां से फ्लोरीन से आयोडीन की, सेंट्रल एटम एक हो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाना हो तो एसिडिक नेचर घटती है, सॉरी इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, तो यहां एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, इसमें बैकबॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें अच्छी बैकबॉन्डिंग होगी 2pi 2pi, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जबकि ऐसे बात की जाए, सेंट्रल एटम एक ग्रुप में बात करें और लेटरल एटम सेम हो, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आयनिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, आयनिक करेक्टर इंक्रीज होंगे, बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, तो यहां एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा, BCl3 AlCl3 एंड GaCl3, तो अपना ये स्टेटमेंट भी क्या जाएगा, राइट आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा A, C and D। नेक्स्ट बात करते हैं, अमोंग द स्पीसीज गिव बिलो द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बातें करनी है अपने को कि डायमैग्नेटिक स्पीसीज कितनी होंगी, इनमें बात करें जी Mn3O4 के लिए बात करें, किसके लिए, Mn3O4 के लिए बात करें, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें Mn+2 एंड Mn+3 में, तो ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये कैसा आ जाएगा, पैरा। इसमें बात करें तो इस पर -2 है, ठीक है, तो इस पर कितना आएगा, +2 आ जाएगा, Fe+2 में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक और वीक फील्ड लिगेंड है। यहां बात करें, यहां भी -2 एंड +2, निकल +2 में बात करें, यह भी पैरामैग्नेटिक मिलेगा। KMnO4 में बात करें, यहां कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 आ गई, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा, यह भी पैरामैग्नेटिक मिलेगा। जबकि यहां बात करें +6 आई, तो इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो चुके हैं, तो यह कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक आएगा। तो अपने को पूछा गया है टोटल कितने डायमैग्नेटिक स्पीसीज इसमें है अपने पास, तो अपने पास देख रहे हैं ज्यादातर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक सिर्फ और सिर्फ एक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर आ गया 1, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन ब्रिज ऑक्सो ग्रुप अमोंग द मॉलिक्यूल गिव लो, ये जो कंपाउंड है इनमें वन ऑक्सो ग्रुप ढूंढना है,
मतलब एक ब्रिज ऑक्सीजन होना चाहिए, इसके लिए बात करें इसकी स्ट्रक्चर अपने को अलग ही मिलती है। इसमें बात करें P2O6 में बात करें यहां ब्रिज है सेम टू सेम, इसमें भी यही आ जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड लगा देना, इसमें भी ब्रिज है। तो ब्रिज वाले कौन से मिल रहे हैं, ये ब्रिज वाला है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें भी अपने को ब्रिज मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाए, इन दोनों की स्ट्रक्चर अपन थोड़ा हटके है, ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर अपने को ये मिलती है बेटा, और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी थायो सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिनमें ओ बॉन्ड एम ओ एम बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए हैं, कितने 5, तो अपना आंसर आ जाएगा यहां पर 5, तो आंसर आ गया 5 आंसर आ गया, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 05 आंसर अपना आ जाएगा। ओके नेक्स्ट बात करें, कह रहे ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द वेज ऑल 4 मॉलिक्यूल पॉजिटिव परमानेंट डायपोल मोमेंट। जी आपके दिमाग में ये रहता है परमानेंट डायपोल मोमेंट, आप तो डायपोल मोमेंट देख लेना, उससे पता लग जाएगा। एनओ टू वी शेप, मैं आपको बताऊं अगर वी शेप टी शेप एंड ओपन बुक लाइक में म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ये वी शेप है, ये वी शेप है। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पे लेटर एटम अलग हो, एक कंडीशन को छोड़कर sp3d को छोड़कर, बाकी में सब में डायपोल मूवमेंट मिलेगा, इसमें भी डायपोल मूवमेंट है, इसमें भी डायपोल मूवमेंट है, तो इन चारों में डायपोल मूवमेंट रहेगा। इसका देखा वी शेप, इसमें भी वी शेप, मतलब इसमें एक सीएल आ गया, इसकी वी शेप मिलेगी, इसकी टी, इसकी एक लोन पेयर आ गया, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो तब भी डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, इसका म्यू जीरो आ जाएगा, इसका म्यू जीरो हो गया तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, इसका भी म्यू जीरो आएगा। यहां बात करें इसका म्यू जीरो, इसका जीरो एंड इसका जीरो, इसका नॉन जीरो बेटा। तो अपने को पूछा गया है कौन से विकल्प में सभी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, नॉन जीरो है, किसका बॉन्ड ऑर्डर, सभी का बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन ही अपने पास आ जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एट 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ जीनोन F2 विद O2F2 प्रोड्यूस ए जीनोन कंपाउंड Y, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द वॉल मॉलिक्यूल ऑफ Y। बेटा जी जीनोन F4 की रिएक्शन मैं O2F2 से NCERT की रिएक्शन लिख रही है, तो ये क्या बनेगा, जीनोन F6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जीनोन F6 बन जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे गए हैं, अपन ने एक ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेन में भी आया था अपने पास, जीनोन F6 में पूछे गए हैं टोटल नंबर, तो एक लोन पेयर तो इसके पास है और हर एक फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर हैं, तो टोटल लोन पेयर यहां पर फ्लोरीन के पास कितने हो गए 18, एक लोन पेयर जीनोन के पास कितने हो गए 19, तो टोटल लोन पेयर हो गए 19 लोन पेयर हो चुके हैं, कितने 19 लोन पेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अमोंग B2S6 B3N3S6 N2O N2O4 H2S2O3 एंड H2S2O8 द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन
टू एटम ऑफ द सेम काइंड, दो समान एटम के बीच में क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए बेटा, इनकी स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे अपन। तो अपन ने देखा B2A6 की अभी स्ट्रक्चर देखी थी, B3N3 की बात करें, B N B N B N B, यहां भी सेम के बीच में नहीं है, H है बाकी सब पर, यहां पर बैक बॉन्डिंग भी है यहां पर, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं एक बार। N2O में देखें, यहां दोनों सेम के बीच में आ गया, तो एक तो ये आ गया अपने पास। N2O4 में देखें, सेम के बीच में आ गया। H2S2O3 में देखें, यहां भी सेम के बीच में आ गया। H2S2O8 देखें, यहां भी सेम के बीच में आ गया। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, आंसर आ गया अपना 04, आंसर आ जाएगा कितना 04, ठीक है बेटा। तो अपना आंसर आ गया 04। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट ऑटो अप ऑन हाइड्रोलाइसिस। कह रहा है हाइड्रोलाइसिस पर बेटा, हाइड्रोलाइसिस पर कौन है जो ऑटो देता है, क्या देता है, ऑटो देता है बेटा। PB3O4 की बात करें, ये क्या है बेटा, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये हाइड्रोलाइसिस पर हाइड्रोक्साइड देगा। ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये PbO प्लस PbO2 से मिलकर बना हुआ है। इसको हीट करते तो अपने को जरूर O2 मिल सकती थी, परंतु ये पूछ क्या रहा है, ये हाइड्रोलाइसिस के लिए बात कर रहा है, किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस के लिए। KO2 के लिए बात करें, KO2 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगी, KOH प्लस H2O2 प्लस हाफ O2 मिलेगी, क्या मिलेगी, हाफ O2 का निर्माण होगा, ठीक है। यहां हाइड्रोलाइसिस कराया अपने, यहां हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा, यहां भी LiOH प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा। तो O2 का फॉर्मेशन ओनली किस में हो रहा है, ओनली बी में हो रहा है, किस में हो रहा है, बी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ I1, I2, I3 ऑफ फोर एटम विच विद एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या दे रखे हैं, N, N+1, N+2 and N+3 एटॉमिक नंबर, वेयर्स N इज लेस देन 10 आर टेबुलेटेड बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N की वैल्यू पता करनी है बेटा। देखिए पहली कंडीशन तो दे दी अपने को क्या, N की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। अब 10 से नीचे कौन कौन है, अपन बात करें, अपने पास हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक बात करते हैं। अब देखिए यहां से पता लगाइए, अगर मैं ये फ्लोरीन लेता, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती, 280, ये हीलियम हो जाता, बिल्कुल सही बात है। फिर ये कौन हो जाता, सोडियम हो जाता, और ये कौन हो जाता, मैग्नीशियम हो जाता। अब इनमें कंपेयर करें तो देखो, इनमें सबसे ज्यादा अपने हीलियम नहीं, नियोन, तो ये सबसे ज्यादा अपने किसकी मिल रही है, इन चारों में बात करें नियोन की मिल रही है। फिर सेकेंड हाइएस्ट हेलोजन की हो गई, और मिनिमम किसकी आ जाएगी, अल्कली मेटल्स की आ जाएगी, किसकी, अल्कली मेटल्स की, और अल्कली मेटल के बाद में किसकी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है। तो यहां बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 9। अब पूछा क्या इसने, एन का मान क्या होगा, एन का मान पूछा है कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा, कितना, 09। तो ये अपने केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक से आए हुए, क्या किसके एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, 16 से लेकर 20 के बीच के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बातें करेंगे आगे की, जो पी ब्लॉक है उनके बारे में, जो टॉपिक बचे हैं, 3 इनऑर्गेनिक, अपन ने टोटल 3 PPT बनाई है, उनमें से एक आज कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट PPT की, मिलते हैं नेक्स्ट PPT में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।